जय श्री राम। शास्त्रों के अनुसार शनि देव दंडाधिकारी हैं। माना जाता है कि न्याय करते वक्त शनि देव किसी से न तो प्रभावित होते हैं और न ही किसी से डरते हैं। शनि देव निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। वो सभी के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं और दंड देते हैं। पौराणिक कथा में भगवान शिव को ही शनि देव का गुरु बताया गया है। कहा जाता है कि शिव जी की कृपा से यम के भाई शनि को दंडाधिकारी चुना गया है। आइए कहानी शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए मृत्युलोक आए और एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर हाथी के रूप में सवा प्रहर तक रहे और शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब तो दिन बीत चुका है और अब शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। यह सोचकर भोले शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने मुस्कुराकर शनिदेव से बोला, शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, भगवान, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देह योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। हमारी कोशिश सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को धर्म के पास लाना है। बम बम भोले। यह अध्याय आपको कैसा लगा, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।